हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़। आप सभी विद्यार्थियों का आज के वीडियो लेक्चर सेशन में स्वागत करता हूँ। आज हम बीएससी पार्ट वन जूलॉजी के पेपर वन यूनिट फोर चैप्टर टू टाइप स्टडी फेशियोला के अंतर्गत फेशियोला के लाइफ साइकिल का अध्ययन करने जा रहे हैं। फेशियोला के लाइफ साइकिल को अध्ययन करने के लिए हमने विषय वस्तु को इन बिंदुओं पर केंद्रित किया है। पहला, सेलिएंट फीचर्स ऑफ लाइफ साइकिल। दूसरा, कॉपुलेशन। तीसरा, फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। चौथा, कैप्सूल फॉर्मेशन। पांचवा, क्लीवेज एंड डेवलपमेंट। छठवा, मीरासीडियम लार्वा। सातवां, स्पोरोसिस्ट। आठवां, रेडिया। नौवां, सर्केरिया। दसवां, मेटा सर्केरिया। और ग्यारहवां, इन्फेक्शन टू प्राइमरी होस्ट। इसके साथ ही साथ हम परजीवी के पैथोजेनिक इफेक्ट का भी अध्ययन करेंगे और इस परजीवी के द्वारा होने वाले रोग के कंट्रोल के संदर्भ में भी देखेंगे, जिसके अंतर्गत ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। विषय वस्तु में बिंदु क्रमांक 2 से लेकर के बिंदु क्रमांक 6 तक का जीवन चक्र प्राइमरी होस्ट या शीप के अंदर संपन्न होता है। इसी तरह बिंदु क्रमांक 7 से लेकर के बिंदु क्रमांक 9 तक की अवस्था लिम्निया या सेकेंडरी होस्ट के भीतर संपन्न होता है। आइए हम विस्तार से इनके संबंध में अध्ययन करें। फेशियोला एक एंडोपैरासाइट है जो शीप के बाइल डक्ट और लीवर में निवास करता है। इसके जीवन चक्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, फेशियोला का जीवन चक्र डाइजीनेटिक होता है, अर्थात जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए इसे दो पोषकों की आवश्यकता होती है। इनका प्राइमरी होस्ट यह शीप होता है, जिसके अंतर्गत ये परजीवी के रूप में निवास करते हैं। फेशियोला का सेकेंडरी होस्ट लिम्निया ट्रंकेटुला होता है। इसके अलावा बुलिनस, प्लेनॉर्बिस, प्रैक्टिकोलेला आदि मोलस्क भी सेकेंडरी होस्ट के रूप में काम करते हैं। सेकेंडरी होस्ट मुख्य रूप से फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, तालाबों में पाए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन की हम बात करें, फेशियोला मेल और फीमेल दोनों तरह के प्रजनन अंगों से युक्त होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्वनिषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसका कारण मेल और फीमेल गैमिट का अलग अलग समय पर परिपक्व होना होता है। इस कारण फेशियोला में फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया यह क्रॉस होती है और निषेचन चूंकि शरीर के भीतर फेशियोला के ओविडक्ट में होता है, इसलिए
इस तरह के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फेशियोला बहुत अधिक संख्या में अंडे देने वाले परजीवी होते हैं। यह इनके प्रजनन तंत्र की और जीवन चक्र की विशेषता होती है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो जायगोट बनता है, उस जायगोट में डेवलपमेंट की प्रक्रिया इनडायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के कारण से अनेक लार्वा अवस्था क्रमिक रूप से बनती हैं। प्राइमरी होस्ट का संक्रमण यह मेटासर्केरिया अवस्था के द्वारा होता है, जबकि सेकेंडरी होस्ट का संक्रमण मीरासीडियम लार्वा के द्वारा होता है। और अंत में हम देखें कि फेशियोला का जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, ये कॉम्प्लिकेटेड होती, बहुत ज़्यादा जटिल होती है और इनमें जीने के जो अवसर होते हैं ये काफ़ी कम होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं फेशियोला के जीवन चक्र की। आइए हम फेशियोला की लाइफ साइकिल का अध्ययन उसके प्राइमरी होस्ट में करते हैं और इसका प्राइमरी होस्ट शीप होता है। शीप के अंदर लाइफ साइकिल की जो अवस्थाएं होती हैं वो क्रमिक रूप से इस तरह से हैं। पहला, कॉपुलेशन। शीप के बाइल डक्ट में उपस्थित मैच्योर फेशियोला प्रजनन के समय बाइल डक्ट में प्रवास करते हैं और वहीं पर कॉपुलेशन करते हैं। कॉपुलेशन के समय दो फेशियोला इस प्रकार परस्पर संलग्न होते हैं कि एक फेशियोला के वेंट्रल साइट पर स्थित गोनोपोर दूसरे फेशियोला के डॉर्सल साइट पर स्थित ओपनिंग ऑफ लॉरस कैनाल के संपर्क में आता है या उसे फेस करता है। इस स्थिति में मेल का जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जिसे सिर्रस कहते हैं, वह गोनोपोर से बाहर निकल करके लॉरस कैनाल की ओपनिंग के अंदर प्रवेश कर जाता है और इस अवस्था में मेल अपने मेल गैमिट्स को, जिसे स्पर्म कहते हैं, उसे प्रोस्टेट फ्लूट के साथ ओपनिंग ऑफ लॉरस कैनाल के भीतर स्थानांतरित कर देता है। इस प्रक्रिया के उपरांत दोनों फेशियोला एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कॉपुलेशन कहलाती है। प्रोस्टेट फ्लूड जो स्पर्म को साथ लेकर के लॉरस कैनाल के भीतर प्रवेश करता है या स्थानांतरित किया जाता है, वह प्रोस्टेट फ्लूड लॉरस कैनाल के भीतर मेल गैमिट्स को या स्पर्म को स्वतंत्रता पूर्वक गति करने में सहायता करते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं ये शीप जो इसका प्राइमरी होस्ट है, उसके लीवर से संलग्न ये बाइल डक्ट है और इस बाइल डक्ट में मैच्योर फेशियोला निवास करते हैं। यह फेशियोला जब मैच्योर हो जाते हैं तब बाइल डक्ट के भीतर वो कॉपुलेशन करते हैं और कॉपुलेशन के पश्चात जब मेल गैमिट का ट्रांसफर फीमेल सिस्टम के भीतर हो जाता है तब दोनों फेशियोला एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इस तरह जीवन चक्र की पहली प्रक्रिया, जिसे हम कॉपुलेशन कहते हैं, वह पूर्ण होती है। कॉपुलेशन के बाद दूसरे चरण में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। लॉरस कैनाल में स्थानांतरित किए गए स्पर्म्स सक्रियता के साथ आगे गति करते हुए ओविडक्ट में पहुंचते हैं, जहां वे ओवरी से ओविडक्ट में आती हुई
ओवा के साथ मिलकर क्रमशः उसे फर्टिलाइज कर देते हैं। इस तरह फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वह क्रॉस और इंटरनल होती है। फेशियोला में सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया बहुत ही कम देखी गई है। इसमें एक ही फेशियोला का सिररस या मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन उसी फेशियोला के फीमेल जिनाइटल अपर्चर में प्रवेश कर जाता है और स्पर्म वहाँ पर रिलीज कर देता है, और ये स्पर्म फीमेल जिनाइटल अपर्चर में छोड़ने के बाद यूटेरस से होते हुए ओविडक्ट में पहुँचते हैं और ओवा को फर्टिलाइज कर देते हैं। इस तरह का फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मेल और फीमेल गैमिट के परस्पर फ्यूज हो जाने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइजेशन के पश्चात जायगोट का निर्माण होता है। तो मेल और फीमेल गैमिट्स के परस्पर फ्यूजन की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और यह जीवन चक्र की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। आइए अब हम देखें तीसरे चरण में जायगोट से कैप्सूल के निर्माण के संदर्भ में। ओविडक्ट से यूटेरस की ओर आगे बढ़ते हुए जायगोट विटेलाइन फ्लूड तथा महलिस ग्लैंड के सिक्रीशन के संपर्क में आते हैं। महलिस ग्लैंड का सिक्रीशन मुख्य रूप से दो कार्यों के प्रति जिम्मेदार होता है। पहला, विटेलाइन फ्लूड को उसके दो घटकों में विभाजित करना, अर्थात योग सेल और शेल सेल्स में अलग करना, और जायगोट के चारों ओर शेल निर्माण की प्रक्रिया में सहायता करना। दूसरा, यूटेरस के मार्ग को नम और चिकना बनाना ताकि कैप्सूल आसानी के साथ यूटेरस के भीतर रखे जा सकें, वहाँ पर पहुँच सकें। जायगोट से कैप्सूल बनने की प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन स्टीफेंसन ने 1947 में किया था। स्टीफेंसन के अनुसार संपूर्ण प्रक्रिया को इस तरह समझा जा सकता है। विटेलाइन फ्लूड जो योक रिजर्वायर में संचित रहता है वह मीडियन विटेलाइन डक्ट के द्वारा ओविडक्ट और यूटेरस के जंक्शन पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद महलिस ग्लैंड से महलिस सिक्रीशन भी उसी जगह पर पहुंचता है। तो यह महलिस सिक्रीशन यूटेरस की मार्ग को नम और चिकना तो बनाता ही है, साथ ही साथ वह विटेलाइन फ्लूड को उसके दो घटकों में डिफरेंशिएट भी कर देता है, सेपरेट भी कर देता है। और ये दो घटक हैं, दो कंपोनेंट हैं, योक सेल्स, ये जायगोट के सतह पर अरेंज हो जाते हैं, और दूसरा शेल मटेरियल, ये योक सेल के ठीक बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरह योक विकसित होते हुए एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, जबकि शेल मटेरियल चारों ओर शेल या कवच के निर्माण का कार्य करता है। जैसे ही शेल मटेरियल योग सेल से पृथक होता है वह अपने दो घटकों में पुनः अलग हो जाता है। ये घटक हैं प्रोटीन और फिनॉल। फिनॉल चूंकि अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, इसलिए वह ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ऑक्सीडाइज्ड होकर वह क्यूनोन बनाता है। जैसे ही क्यूनोन का निर्माण होता है वह प्रोटीन के साथ मिल जाता है और मिल करके स्क्लेरोटीन नाम का पदार्थ बनाता है, और यही स्क्लेरोटीन है जो कि लेदर की तरह स्टिफ होता है, लचीला होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रति पूरी तरह से रेजिस्टेंट होता है, और यही स्क्लेरोटीन है
जो जाइगोट के बाहर की ओर शेल या कवच का निर्माण करता है। तो यह शेल निर्माण की प्रक्रिया होती है। आइए, जब जाइगोट से कैप्सूल का निर्माण हुआ तो हम देखें कैप्सूल की संरचना कैसी होती है। कैप्सूल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। कैप्सूल पीले भूरे रंग की अंडाकार या ओवल माइक्रोस्कोपिक रचना होती है। कैप्सूल की लंबाई 130 से 150 म्यू तथा इसकी चौड़ाई 63 से लेकर 90 म्यू तक होती है। कैप्सूल के अग्र सिरे पर एक सूक्ष्म कवर के रूप में ओपरकुलम होता है और ओपरकुलम के ठीक नीचे विस्कस ग्रेनुलर कुशन भी होता है। अब कैप्सूल ओविडक्ट को छोड़कर के यूटेरस में पहुंचा दिया जाता है, जहां वह कुछ समय के लिए स्टोर करके रख लिया जाता है। इस तरह फेशियोला का जो यूटेरस होता है, ये बहुत अधिक संख्या में कैप्सूल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इस चित्र में हम कैप्सूल की संरचना को देख सकते हैं। कैप्सूल का आकार ये अंडाकार दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर के सिरे पर एक छोटा सा लिड होता है, कवर होता है, जिसे ओपरकुलम कहते हैं, और इस ओपरकुलम के नीचे विस्कस ग्रेनुलर कुशन होता है। एक दानेदार गाढ़ी संरचना होती है, यह विस्कस ग्रेनुलर कुशन कहलाता है। भीतर की ओर जाइगोट न्यूक्लियस उपस्थित होता है तथा योक सेल्स भी होते हैं, जो एम्ब्रियो के विकास की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए उसे पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। और सबसे बाहर की ओर शेल होती है, जो न केवल इसकी सुरक्षा करती है बल्कि यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रति भी पूरी तरह से प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट होती है। जब कैप्सूल यूटेरस के अंदर पहुंचता है, तब चौथे चरण की प्रक्रिया यहां पर शुरू होती है, और इस प्रक्रिया को हम क्लीवेज एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम देखें कैप्सूल में क्लीवेज और डेवलपमेंट की प्रक्रिया किस तरह से होती है। कैप्सूल में क्लीवेज की प्रक्रिया यूटेरस में ही संचित रहते हुए आरंभ हो जाती है। याद रखें, कैप्सूल में क्लीवेज या डेवलपमेंट होलोब्लास्टिक होता है। जाइगोट न्यूक्लियस का जो विभाजन होता है वह होलोब्लास्टिक होता है और साथ ही साथ अनइक्वल होता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जाइगोट सेल है, तो इस जाइगोट सेल में जो विभाजन होगा ये होलोब्लास्टिक होगा, अर्थात कोशिका पूरी तरह से विभाजित होगी, लेकिन विभाजन का जो अक्ष होगा ये अक्ष मध्य से हट करके कुछ साइड पर होता है, जिसके कारण से जो कोशिकाएं बनती हैं ये असमान आकार की होती हैं। एक कोशिका ये आकार में बड़ी होती है और दूसरी कोशिका आकार में छोटी होती है। आइए हम देखें, कोशिका विभाजन या जाइगोट कोशिका के विभाजन के साथ जाइगोट में दो तरह की कोशिकाएं बन रही हैं। पहली कोशिका जो लार्ज होती है, यह प्रोपेगेटरी सेल कहलाती है, और दूसरी जो छोटी होती है यह सोमेटिक सेल कहलाती है। तो लार्ज प्रोपेगेटरी सेल में जब आगामी विभाजन होता है तो इससे कोशिकाओं के दो समूह निर्मित होते हैं। इनमें से जो कोशिकाओं का पहला समूह होता है उससे एम्ब्रियो और आगे चल करके लार्वा का निर्माण होता है, और इन्हीं प्रोपेगेटरी सेल से बने हुए कोशिकाओं के दूसरे समूह के द्वारा एक विशेष तरह की कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन कोशिकाओं को जर्म सेल कहा जाता है। ये कोशिकाएं अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक लार्वल स्टेज से अगले लार्वल स्टेज तक पहुंचाने का काम करती हैं, और लार्वा के विकास को भी ये नियंत्रित करती हैं।
दूसरे प्रकार की कोशिकाएं ये स्मॉल होती हैं, जिसे सोमेटिक सेल कहा जाता है। यह लार्वा के एक्टोडर्म के निर्माण और विकास का कार्य करता है। चित्र में इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, ये एक कैप्सूल है। इस कैप्सूल में जो जाइगोट सेल है, इस जाइगोट सेल में होलोब्लास्टिक और अनइक्वल डिवीजन हुआ, जिसके फलस्वरूप लार्ज प्रोपेगेटरी सेल और स्मॉल सोमेटिक सेल का निर्माण हुआ। इन कोशिकाओं में जब निरंतर विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और यह जो एम्ब्रियो है वह योग सेल के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हुए निरंतर विकसित होते रहता है। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो का विकास आगे बढ़ता है, योग सेल की संख्या क्रमशः घटती चली जाती है, और अंत में इस एम्ब्रियो से पहली लार्वा अवस्था जो कैप्सूल के अंदर विकसित होती है उसे हम कहते हैं मीरासीडियम लार्वा। यह मीरासीडियम लार्वा कैप्सूल के अंदर ही स्थित होता है। कैप्सूल में एम्ब्रियो तक विकास की प्रक्रिया यूटेरस में रहते हुए पूर्ण हो जाती है। कभी कभी मीरासीडियम लार्वा का विकास भी कैप्सूल में उसके यूटेरस के अंदर रहते हुए भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन आगामी जो विकास होता है कैप्सूल के अंदर, एम्ब्रियो में आगामी जो विकास है, अर्थात मीरासीडियम लार्वा के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह तभी संभव होता है जब उसे ये चार परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से मिलें। पहली परिस्थिति है कैप्सूल नम या पानी में पहुंच जाए, नम स्थान या पानी में पहुंच जाए। दूसरा, कैप्सूल को 60% नमी प्राप्त हो। तीसरा, पानी आंशिक रूप से अम्लीय हो, जिसका पीएच 6.5 के आसपास हो, और तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो। तो एम्ब्रियो युक्त जो कैप्सूल है वो फेशुला के यूटेरस से उसके गोनोपोर के द्वारा होते हुए बाहर निकलकर शीप के बाइल डक्ट में मुक्त कर दिए जाते हैं, और बाइल डक्ट से होते हुए वह शीप के इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, और इंटेस्टाइन में आगे बढ़ते हुए अपचित भोजन या मल के साथ कैप्सूल शीप के शरीर के बाहर मल त्याग करते समय जमीन में या जलाशय के किनारे पहुंच जाते हैं। इस तरह जो एम्ब्रियोनेटेड कैप्सूल होता है वह शीप के शरीर से मल त्याग करते समय बाहर निकलकर सॉइल में या जमीन पर चला जाता है। तो यहाँ इस चित्र में हम देख रहे हैं कि डेफिकेशन या मल त्याग के समय जो डंग होता है ना, शीप डंग होता है, उसमें बहुत सारे एम्ब्रियोनेटेड कैप्सूल्स होते हैं। ये कैप्सूल जमीन पर आ जाते हैं, सॉइल पर आ जाते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर कैप्सूल के अंदर जो एम्ब्रियो है उसमें विकास की प्रक्रिया शीघ्रता से प्रारंभ हो जाती है, तथा एम्ब्रियो मीरासीडियम लार्वा के रूप में विकसित हो जाता है। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि जब कैप्सूल के अंदर मीरासीडियम लार्वा का विकास हो जाता है, इसके साथ ही फेशुला के जीवन चक्र का प्रथम हिस्सा, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी होस्ट या शीप में, वह पूर्ण हो जाता है। तो मीरासीडियम लार्वा के विकास के साथ ही प्राइमरी होस्ट शीप में जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। आइए कैप्सूल के भीतर जो मीरासीडियम लार्वा विकसित हुआ है उसके संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं। मीरासीडियम युक्त कैप्सूल जब पानी के संपर्क में आता है तो मीरासीडियम लार्वा के द्वारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सीक्रेशन किया जाता है, और ओपरकुलम के नीचे जो विस्कस ग्रेनुलर कुशन होता है उसके प्रसार के कारण से ओपरकुलम पर दबाव पड़ता है।
और इसलिए ओपरकुलम खुल जाता है, और खुलने से मीरासीडियम लार्वा अपने सिलिया की सहायता से पानी में स्वतंत्र होकर के तैरने लगते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, जो शीप डंग होता है, शीप का जो मल होता है, उस मल में बहुत सारे कैप्सूल्स होते हैं और इन कैप्सूल के अंदर एम्ब्रियो विकसित होता है। जब शीप मल त्याग करती है तो ये डंग जमीन पर आ जाते हैं, और जब ये डंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तब ये कैप्सूल स्वतंत्र हो जाते हैं। क्योंकि ये कैप्सूल माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इस हल्के होते हैं, और इसलिए हवा के साथ ये पास के जलाशय में पहुंच जाते हैं या इरोजन के कारण से वो जलाशय में पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ बारिश के पानी के साथ भी बह करके वो जलाशय में पहुंच जाते हैं। तो जब ये जलाशय में पहुंचते हैं तभी मीरासीडियम लार्वा जो कैप्सूल के अंदर विकसित हुआ है वह सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने के बाद वह ओपरकुलम को बाहर की ओर ढकेलने लगता है। तो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज करके ओपरकुलम को कमजोर करता है, साथ ही साथ ओपरकुलम के नीचे जो ग्रेन्युलर विस्कस कुशन होता है, इसके प्रसार के कारण से ही, फैलाव के कारण से भी ओपरकुलम पर दबाव बनता है और ये ओपरकुलम खुल जाता है। तो कैप्सूल का जब कवर या ओपरकुलम खुल जाता है तो इसके अंदर जो मीरासीडियम लार्वा है, यह मीरासीडियम लार्वा स्वतंत्र हो जाता है और पानी में तैरने लगता है। मीरासीडियम लार्वा के शरीर पर बाहर की ओर सिलिया पाए जाते हैं, और यही सिलिया पानी में मीरासीडियम लार्वा को स्वतंत्रतापूर्वक तैरने में मदद करते हैं। यदि हम मीरासीडियम लार्वा की संरचना देखें तो बाहरी संरचना में ये महत्वपूर्ण बातें दिखाई देती हैं। पहला, शेप। मीरासीडियम लार्वा के शरीर का जो आकार होता है वो लीफ लाइक होता है, पत्ती की तरह होता है। मीरासीडियम लार्वा की साइज 0.13 मिलीमीटर होती है, जो उसकी लंबाई को प्रदर्शित करती है। लार्वा का जो शरीर होता है वो पूरी तरह से सिलिएटेड होता है, लेकिन उसके शरीर के अगले भाग पर जो एपिकल पैपिला या उभार जैसी रचना होती है, इस भाग में सिलिया नहीं पाए जाते हैं, और इसको छोड़कर के संपूर्ण शरीर की बाहरी सतह पर सिलिया पाए जाते हैं। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता, जो सिलिया शरीर पर लगे हुए होते हैं वो छोटी छोटी प्लेट्स के ऊपर लगी हुई होती हैं, और इन्हीं प्लेट्स को इपिडर्मल प्लेट्स कहा जाता है। इन इपिडर्मल प्लेट्स की जो संख्या है और उनका जो अरेंजमेंट होता है वह बहुत स्पेसिफिक होता है। प्लेट की संख्या 21 होती है, और ये प्लेट एक निश्चित क्रम में और कतार में व्यवस्थित होते हैं। आइए हम देखें इन प्लेट्स का जो ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है। इस टेबल में हम ये प्लेट्स की संख्या को और उनके अरेंजमेंट को देख सकते हैं। ये जो 21 प्लेट्स होती हैं ये 5 पंक्तियों में व्यवस्थित होती हैं। पहली पंक्ति में 6 प्लेट्स होती हैं, और इन 6 प्लेट्स में से 2 डॉर्सल साइड पर होती हैं, 2 लेटरल साइड पर और 2 वेंट्रल साइड पर होती हैं। दूसरी पंक्ति में 5 प्लेट्स होती हैं, इन 5 में से 3 डॉर्सल साइड पर और 2 वेंट्रल साइड पर होती हैं, 2 वेंट्रल साइड पर होती हैं। सॉरी, यहां पर ये 6 प्लेट होती हैं, 6 प्लेट होती हैं, और ये 6 प्लेट में से 3 डॉर्सल साइड पर और 3 वेंट्रल साइड पर होती हैं। तीसरी पंक्ति में 3 प्लेट्स होती हैं, जिनमें से 1 डॉर्सल और 2 वेंट्रोलेटरल साइड पर होती हैं। चौथी पंक्ति में 4 प्लेट, जिनमें 2 राइट साइड और 2 लेफ्ट साइड पर होती हैं। और अंतिम पंक्ति, पांचवी पंक्ति में 2 प्लेट्स होती हैं, जिनमें से 1 राइट और 1 लेफ्ट पर होती हैं। इस तरह यदि हम प्लेट की संख्या को टोटल करें तो इनकी कुल संख्या हो जाती है 21, और कुल रो की संख्या होती है 5।
चित्र में हम इसे देख सकते हैं। बाहर की ओर शीर्ष पर हमें ये कोन के रूप में रचना दिखाई दे रही है, यह एपिकल पैपिला कहलाता है और इसके साथ ये प्लेट्स दिखाई देती हैं। प्रथम पंक्ति में 6 प्लेट होती हैं, जिनमें से ये 2 डॉर्सल साइड पर हैं, 2 लेटरल साइड पर हैं और 2 इनके नीचे की ओर हैं, पीछे की ओर हैं, ये वेंट्रल प्लेट कहलाती हैं। तो दूसरी पंक्ति पे भी 6 प्लेट होती हैं, जिनमें से 3 प्लेट डॉर्सल साइड पर होती हैं और 3 प्लेट इसके पीछे वेंट्रल साइड पर होती हैं। तीसरी पंक्ति में 3 प्लेट होती हैं, जिनमें से 1 ये डॉर्सल प्लेट है और 2 प्लेट ये वेंट्रोलेटरल होती हैं। चौथी पंक्ति में 4 प्लेट होती हैं, जिनमें से 2 राइट साइड पर, ये एक राइट इसके ठीक नीचे पीछे की ओर दूसरा राइट, और ये इसी तरह से इधर भी प्लेट और इसके नीचे दूसरी प्लेट। तो 2 प्लेट इस साइड पे हैं लेफ्ट साइड पर और 2 प्लेट होती हैं राइट साइड पर। तो चौथी पंक्ति में कुल प्लेट की संख्या हो गई 4। अंतिम पंक्ति पांचवी प्लेट, जिसमें 2 ही प्लेट होती हैं, जिनमें से 2 प्लेट इसके लेफ्ट साइड पर होती हैं, सॉरी 1 प्लेट इसके लेफ्ट साइड पर होती है और 1 प्लेट राइट साइड पर होती है। तो इस तरह कुल 21 प्लेट 5 पंक्तियों पर व्यवस्थित होती हैं। ये इसकी बाहरी संरचना होती है। बाहर से देखने पर दूसरी पंक्ति के मध्य प्लेट में आई स्पॉट दिखाई देता है और ये आई स्पॉट फोटो सेंसिटिव होता है, प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। मीरासीडियम लार्वा की आंतरिक संरचना हम देखते हैं। मीरासीडियम की आंतरिक संरचना में जो महत्वपूर्ण रचनाएं दिखाई देती हैं वो इस तरह से हैं। पहला एपिकल ग्लैंड, यह सिंगल होती है और इसका जो सिक्रीशन होता है वह मीरासीडियम लार्वा को सेकेंडरी होस्ट के शरीर से चिपकने में सहायक होता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये बीचों बीच एक गहरे नीले रंग की ग्रंथि दिखाई दे रही है, यही ग्रंथि कहलाती है एपिकल ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड पेनिट्रेशन ग्लैंड, यह एक पेयर होती है और इनका सिक्रेशन सेकेंडरी होस्ट के शरीर पर कोशिकाओं को डिजॉल्व करते हुए मार्ग बनाना और उसके शरीर के अंदर प्रवेश करने का कार्य करती हैं। इस एपिकल ग्लैंड के ठीक बगल में ये 2 बड़े आकार की ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं, ये ग्लैंड कहलाती हैं पेनिट्रेशन ग्लैंड, ये पेनिट्रेशन ग्लैंड। तीसरी रचना ब्रेन, आप देख रहे हैं ये पिंक कलर की एक्स के आकार की ब्रेन दिखाई दे रही है और यह ब्रेन फंक्शनल होती है, क्रियाशील होती है। चौथी रचना आई स्पॉट, एक जोड़ी प्रकाश के प्रति संवेदनशील आंखें भी उपस्थित होती हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया, इनको हम फ्लेम सेल भी कहते हैं। मीरासीडियम लार्वा में केवल एक जोड़ी प्रोटोनेफ्रिडिया पाई जाती हैं, जो अपने साइड के नेफ्रिडियोपोर के द्वारा शरीर से बाहर खुलती हैं। तो इनमें एक पेयर प्रोटोनेफ्रिडिया और एक पेयर नेफ्रिडियोपोर होते हैं। ये ग्रीन कलर पर जो दिखाई दे रही ये प्रोटोनेफ्रिडिया हैं, जो नेफ्रिडियोपोर के द्वारा शरीर के बाहर खुलती हैं। जर्म सेल, शरीर के मध्य पश्च भाग पर विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं को जर्म सेल कहा जाता है। ये अनुवांशिक लक्षणों को एक लार्वा अवस्था से दूसरी लार्वा अवस्था तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करती। बॉडी वॉल को हम देखें तो बॉडी वॉल में सबसे बाहर की ओर सर्कुलर मसल होती है, उसके नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है तथा सबसे भीतर की ओर सब इपिथिलियम कोशिकाओं की लेयर होती है, परत होती है। तो ये मीरासीडियम लार्वा सक्रियता के साथ पानी में तैरता है। यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि मीरासीडियम लार्वा केवल 8 घंटे तक ही जीवित रह सकता है और चूंकि ये पानी में स्वतंत्रता पूर्वक तैरता है तो तैरते हुए पानी में मौजूद सेकेंडरी होस्ट की यह सक्रियता के साथ तलाश करता है। यदि 8 घंटे के भीतर मीरासीडियम लार्वा का संपर्क उसके सेकेंडरी होस्ट लिम्निया प्लेनॉर्बिस पोसेरिया प्रैक्टिकोलेला
आदि स्नेल से हो जाता है, तब वह उसके भीतर प्रवेश करता है और जीवन चक्र सेकेंडरी होस्ट में प्रारंभ होता है। यदि 8 घंटे के भीतर मिरासीडियम लार्वा अपने सेकेंडरी होस्ट को सर्च करने में असफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मिरासीडियम लार्वा की डेथ हो जाती है। आइए अब हम देखें लाइफ साइकिल इन सेकेंडरी होस्ट। तो इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो फ्रेश वाटर स्नेल है जो स्वच्छ जल के तालाबों पे पाया जाता है, और सेकेंडरी होस्ट का नाम है लिम्निया ट्रंकेटुला। ये बहुत ही कॉमन तौर पर पाया जाने वाला स्नेल है जो स्वच्छ जलीय तालाबों पे पाया जाता है। सेकेंडरी होस्ट में जीवन चक्र की कुछ अवस्थाएं होती। पहली अवस्था यह है इन्फेक्शन ऑफ सेकेंडरी होस्ट। पानी में स्वतंत्रता पूर्वक तैरता हुआ मिरासीडियम लार्वा अपने सेकेंडरी होस्ट के संपर्क में आता है तो आने के पश्चात वह उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब उसका जीवन चक्र आगे की ओर बढ़ता है। तो पानी में स्वतंत्रता पूर्वक तैरते हुए मिरासीडियम लार्वा अपने सेकेंडरी होस्ट की तलाश करता है और निर्धारित 8 घंटे के भीतर सेकेंडरी होस्ट मिल जाने पर जीवन चक्र आगे की ओर बढ़ता है, अन्यथा मिरासीडियम लार्वा स्वयं मृत हो जाता है। सेकेंडरी होस्ट के शरीर के संपर्क में आते ही मिरासीडियम लार्वा अपने एपिकल ग्लैंड के स्राव के द्वारा उसके शरीर से चिपक जाता है तथा पेनिट्रेशन ग्लैंड्स के स्राव के द्वारा हिस्टोलिटिक एंजाइम छोड़े जाते हैं जो लिम्निया के कोमल भाग को घोलते हुए उसे क्रमशः भीतर प्रवेश करने में मदद करते हैं। तो पेनिट्रेशन ग्लैंड लिम्निया के शरीर के भीतर कोशिकाओं को तोड़ते हुए सुराख बनाने का कार्य करता है और इसी सुराख के माध्यम से यह मिरासीडियम लार्वा लिम्निया के शरीर के भीतर गहराई पर धंसता चला जाता है और अंत में यह मिरासीडियम लार्वा लिम्निया के डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहुंच जाता है। जैसे ही डाइजेस्टिव ग्लैंड में वो पहुंचता है उसके पश्चात मिरासीडियम लार्वा में कुछ आवश्यक परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन के उपरांत वह एक नई लार्वा अवस्था में बदल जाता है और इस अवस्था को स्पोरोसिस्ट लार्वा कहा जाता है। सेकेंडरी होस्ट में जो दूसरी महत्वपूर्ण स्टेप है वो है स्पोरोसिस्ट लार्वा का निर्माण। मिरासीडियम लार्वा स्पोरोसिस्ट लार्वा में रूपांतरण के समय उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन इस तरह से हैं, जो पुराने करैक्टर हैं मिरासीडियम लार्वा में वो करैक्टर धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ये करैक्टर इस तरह से हैं, पहला शरीर के सिलिया पूरी तरह से उतार दिए जाते हैं, दूसरा एपिकल ग्लैंड समाप्त हो जाती है, पेनिट्रेशन ग्लैंड यह भी समाप्त हो जाती है, आईज डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर देखने के लिए प्रकाश उपलब्ध नहीं होता है इसलिए इनकी आई भी समाप्त हो जाती है, और ब्रेन यह भी डीजनरेट हो जाता है। तो मिरासीडियम लार्वा में इतने सारे परिवर्तन होते हैं और इस परिवर्तन के उपरांत वह एक नई अवस्था में तब्दील हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा। जिस समय मिरासीडियम लार्वा पुराने लक्षणों को विलोपित करता है उस समय नए लक्षण भी उसके शरीर पर विकसित होते हैं। ये इस तरह से हैं, शरीर की लंबाई में आंशिक तौर पर वृद्धि हो जाती है और शरीर सैक लाइक हो जाता है, शरीर की लंबाई 0.7 मिलीमीटर हो जाती है और प्रोटोनेफ्रिडिया प्रत्येक ओर एक जोड़ी विकसित हो जाते हैं। इसके पहले मिरासीडियम में कुल एक जोड़ी थे जिनमें से एक राइट साइड पर था और एक लेफ्ट साइड पर था, लेकिन
प्रोटोनेफ्रिडिया की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है और प्रत्येक साइड पर एक जोड़ी हो जाती है, और ये प्रोटोनेफ्रिडिया अपने साइड पर त्वचा के बाहर नेफ्रिडियोफोर के द्वारा खुलते हैं। बॉडी वॉल में क्यूटिकल की बाहरी सुरक्षात्मक स्तर विकसित हो जाती है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर पहुंच गया है और डाइजेस्टिव ग्लैंड से डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो इस लार्वा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए शरीर के बॉडी वॉल के सबसे बाहर की सतह पर क्यूटिकल की एक पतली और सुरक्षात्मक लेयर का विकास हो जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में ये लार्वा घूम घूम कर अपना पोषण प्राप्त करता है, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अवशोषित करता है। इसके बाद इनके जो जर्म सेल होते हैं, ये जर्म सेल क्लीवेज की प्रक्रिया के द्वारा मारूला, ब्लास्टूला, गैस्टूला आदि अवस्थाओं से गुजरते हुए नए लार्वा का सृजन करते हैं, और इस लार्वा को हम कहते हैं रेडिया लार्वा। तो स्पोरोसिस्ट लार्वा के भीतर जर्म सेल से रेडिया लार्वा का निर्माण होता है, और एक स्पोरोसिस्ट के भीतर 5 से लेकर के 8 रेडिया लार्वा विकसित होते हैं। स्पोरोसिस्ट लार्वा के भीतर जब रेडिया लार्वा विकसित हो जाते हैं तब स्पोरोसिस्ट लार्वा बस्ट हो जाता है, उसका शरीर फट जाता है, और फटने के उपरांत रेडिया लार्वा लिम्निया के अर्थात सेकेंडरी होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्वतंत्र हो जाते हैं। आइए इस चित्र में हम स्पोरोसिस्ट लार्वा के बारे में देखते हैं। तो स्पोरोसिस्ट लार्वा के शरीर का आकार ये बैग के समान दिखाई दे रहा है। इसके शरीर के भीतर प्रत्येक ओर एक जोड़ी ये प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल उपस्थित हैं, जो अपने साइड पर नेफ्रिडियोपोर के द्वारा शरीर से बाहर खुलते हैं, और इनमें जो जर्म सेल थे वो जर्म सेल विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अगले लार्वा का निर्माण करते हैं, और यह जो लार्वा होता है वह रेडिया लार्वा कहलाता है, और सुरक्षात्मक आवरण के रूप में इनके बॉडी वॉल के बाहर की ओर क्यूटिकल का निर्माण हो जाता है जो उन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम से पूरी तरह से सुरक्षित होता है। तो जब इस स्पोरोसिस्ट के अंदर 5 से लेकर के 8 रेडिया लार्वा विकसित हो जाते हैं तब यह स्पोरोसिस्ट बस्ट हो जाता है, और बस्ट होने से ये रेडिया लार्वा जो भीतर विकसित हुए हैं वो लिम्निया के या सेकेंडरी होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्वतंत्र हो जाते हैं। आइए अब हम देखें स्पोरोसिस्ट से विकसित हुए जो रेडिया लार्वा हैं वो किस तरह से दिखाई देते हैं। इस चित्र में हम रेडिया लार्वा को देख सकते हैं। स्पोरोसिस्ट के बस्ट होने से रेडिया लार्वा लिम्निया के डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्वतंत्र हो जाते हैं, और वहां से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके अपनी वृद्धि भी करने लगते हैं। रेडिया लार्वा की जो साइज होती है वो 1.3 से 1.6 मिलीमीटर होती है, और शरीर इनका लंबा तथा सिलिंड्रिकल या बेलनाकार होता है। शरीर बाहर से क्यूटिकल के पतले सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ होता है। शरीर के अग्रभाग के समीप मसल की एक पट्टी पाई जाती है, एक रिंग पाई जाती है, और इस रिंग को कहा जाता है कॉलर। तो ये अंगूठी की तरह इसके अगले भाग को चारों तरफ से घेरे हुए होता है, और यही रचना कहलाती है कॉलर। कॉलर के ठीक नीचे एक स्थायी छिद्र होता है, और इस छिद्र को बर्थ पोर कहा जाता है, और इसी बर्थ पोर के द्वारा इस रेडिया लार्वा के अंदर जो अगली लार्वा अवस्था विकसित होती है वह बाहर निकल सकती है। शरीर के पिछले भाग के समीप लेटरल साइड पर एक जोड़ी उभार होते हैं, और ये उभार लोकोमोशन में भी या प्रचलन में सहायक होते हैं। इन उभारों को लैपेट्स कहा जाता है। तो ये रचना जो हमें लेटरल साइड पर दिखाई दे रही है ये लैपेट्स कहलाती है। पाचन तंत्र की हम बात करें
तो पाचन तंत्र विकास की अवस्था को प्रदर्शित करता है, जिसके अंतर्गत माउथ, फेरिंग्स और गट, गट का मतलब इंटेस्टाइन की आरंभिक अवस्था दिखाई देती है। फेरिंग्स यह मस्कुलर होती है और इनकी दीवारों पर यूनिसेलुलर फेरिंजियल ग्लैंड्स भी उपस्थित होती हैं, विकसित होती हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया, इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये अग्र और पश्च समूह में विभेदित हो जाती हैं। तो प्रोटोनेफ्रिडिया की संख्या बढ़ जाती है तो एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्रुप के रूप में ये दिखाई देती हैं। और एक साइड की प्रोटोनेफ्रिडिया अपने साइड पर नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बॉडी वॉल पर बाहर की ओर खुलती हैं। अंदर जो जर्म सेल उपस्थित थे, इन जर्म सेल से विकास की प्रक्रिया होती है और नए लार्वा का निर्माण होता है। यहां पर यह ध्यान देना जरूरी है कि विंटर सीजन में, ठंड के मौसम में, रेडियल लार्वा के भीतर जो जर्म सेल होते हैं उनसे सर्केरिया लार्वा का निर्माण और विकास होता है। किंतु विंटर सीजन के अलावा यदि कोई दूसरा सीजन है, समर सीजन इत्यादि है, तो रेडियल लार्वा के अंदर छोटे रेडियल लार्वा का निर्माण होता है, इन्हें हम डॉटर रेडिया कहते हैं। तो मौसम के अनुरूप जर्म सेल सर्केरिया या डॉटर रेडिया का निर्माण करते हैं। विंटर सीजन में सर्केरिया लार्वा से रेडियल लार्वा का निर्माण होता है और ये सर्केरिया लार्वा रेडियल लार्वा के बर्थ पोर से बाहर निकलकर लिम्निया के डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस तरह रेडियल लार्वा के भीतर सर्केरिया लार्वा का निर्माण होता है। तो यहां पर इस चित्र में यदि हम देखें तो हम ये पाते हैं कि ये दो तरह के अवस्थाएं हैं। एक विंटर सीजन वाला रेडिया है जिसके भीतर ये सर्केरिया लार्वा का निर्माण और विकास हुआ है, और समर सीजन में हम देख रहे हैं कि रेडिया के भीतर ये डॉटर रेडिया का निर्माण और विकास हुआ है। तो जो भी लार्वा इसके भीतर बनते हैं वो विकसित होने के बाद बर्थ पोर से बाहर निकल जाते हैं। चौथी अवस्था जो सेकेंडरी होस्ट पर निर्मित होती है यह सर्केरिया लार्वा कहलाता है। सर्केरिया लार्वा रेडियल लार्वा के भीतर विंटर सीजन में विकसित होते हैं और विकसित होने के बाद वह उसके बर्थ पोर से बाहर निकलकर लिम्निया के डाइजेस्टिव ग्लैंड में स्वतंत्र हो जाते हैं। यहां पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि सर्केरिया लार्वा गतिशील होते हैं, अर्थात इनमें पूंछ पाई जाती है जिसके द्वारा वो सक्रियता के साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड से बाहर निकलते हैं। सर्केरिया लार्वा चपटा, अंडाकार एवं पूंछ युक्त होता है जिसकी साइज 0.25 मिलीमीटर से 0.35 मिलीमीटर तक होती है लंबाई पे। यह लार्वा सक्रिय लार्वा होता है। शरीर पर बाहर की ओर क्यूटिकल की पतली परत होती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करती है, और इस क्यूटिकल पर पीछे की ओर झुके हुए माइक्रोस्कोपिक स्पाइन्स होती हैं जिनको स्पाइन्यूल कहा जाता है। पाचन तंत्र बेहतर ढंग से विकसित होता है और इनमें माउथ, फेरिंग्स, ओइसोफेगस के साथ ही साथ जो इंटेस्टाइन होती है वह बाइफरकेटेड या द्विशाखित होती है। वेंट्रल सकर या एसिटाबुलम भी विकसित हो जाता है। फ्लेम सेल की संख्या अत्यधिक हो जाती है तथा सारे के सारे फ्लेम सेल अपने साइड पर डक्ट से जुड़ी हुई होती हैं, और ये डक्ट पूंछ के करीब एक्सक्रीटरी वेसिकल में खुलती हैं, और यह एक्सक्रीटरी वेसिकल से एक डक्ट निकलती है और यह डक्ट पूंछ के आधार के पास दो अलग अलग एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इसके शरीर के पिछले हिस्से पर जर्म सेल भी उपस्थित होते हैं जिनसे आगे चल करके
प्रजनन अंगों का निर्माण और विकास होता है। बॉडी वॉल के ठीक नीचे कुछ विशेष तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम सिस्टोजीनस ग्लैंड कहते हैं। सिस्टोजीनस ग्लैंड का जो स्राव या सिक्रीशन होता है, वह आगामी अवस्था में, जिसे हम मेटासर्किलिया कहते हैं, उसके चारों ओर सिस्ट के निर्माण का कार्य करता है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि इस सर्किलिया लार्वा का जो आकार है वो ओवल है, अंडाकार है, और इसकी लंबाई अधिक होती है। सामने की ओर माउथ, ओरल सकर, फेरिंग्स, ओइसोफेगस और बाइफरकेटेड इंटेस्टाइन पाचन तंत्र में विकसित होती हैं। शरीर के मध्य भाग पर वेंट्रल साइड पर एसिटाबुलम या वेंट्रल सकर भी विकसित होता है। फ्लैम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया ये बहुत अधिक संख्या में होती हैं। ये छोटी रचनाएं जो दिखाई दे रही हैं, ये प्रोटोनेफ्रिडिया हैं। और सारी की सारी जो प्रोटोनेफ्रिडिया होती हैं, वो अपने साइड पर एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं। और दोनों ओर की जो कॉमन डक्ट होती है, ये दोनों कॉमन डक्ट मिलकर के एक छोटे से वेसिकल या चेंबर में खुलती हैं। इसी चेंबर को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी वेसिकल। और इस एक्सक्रीटरी वेसिकल से एक्सक्रीटरी डक्ट निकलती है, जो दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है और पूंछ में दो अलग अलग सुराख या परचर के द्वारा बाहर की ओर खुलती हैं। इन सुराखों को हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं। इसकी बाहरी सतह पर क्यूटिकल की परत होती है और इस क्यूटिकल में माइक्रोस्कोपिक पीछे की ओर मुड़े हुए फाइन स्पाइन्यूल्स भी होते हैं। पीछे की ओर टेल सुविकसित होती है, जो इसके प्रचलन अंग होते हैं, और इसी के द्वारा ये सक्रियता के साथ तैर भी सकता है। तो सर्केरिया लार्वा, ये रेडिया लार्वा के भीतर विकसित होकर के रेडिया के बर्थ पोर से बाहर आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में, और डाइजेस्टिव ग्लैंड से सक्रियता के साथ गति करते हुए आगे निकल करके वो लिम्निया के शरीर से बाहर पानी में चले जाते हैं, और पानी में अपनी पूंछ की सहायता से सक्रियता के साथ तैरने लगते हैं। यहां ध्यान देंगे कि सर्केरिया लार्वा के निर्माण के साथ ही सेकेंडरी होस्ट के शरीर में जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। तो सर्केरिया लार्वा यह पानी में उतर करके स्वतंत्रता पूर्वक तैरने लगता है। पानी में कुछ समय तक सक्रियता पूर्वक तैरने के बाद सर्केरिया अगली अवस्था में बदल जाता है, जिसे मेटा सर्केरिया अवस्था कहा जाता है। तो जल में सक्रियता पूर्वक तैरता हुआ सर्केरिया लार्वा जलाशय के तट की ओर माइग्रेट करता है, प्रवास करता है, और वहां पहुंच करके जो जलीय वनस्पतियां होती हैं, जिनको हम मार्जिनल वीड्स कहते हैं, उनसे अपने ओरल सकर के द्वारा चिपक जाता है। और चिपकने के बाद इस मेटासर्केरिया अवस्था निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, और इसलिए सर्केरिया लार्वा की जो पूंछ है वो पूरी तरह से विलोपित हो जाती है। एक्सक्रीटरी डक्ट तथा एक्सक्रीटरी पोर लुप्त हो जाते हैं। सिस्टोजीनस ग्लैंड बाहर की ओर अपना सिक्रीशन रिलीज करके सिस्ट का सुरक्षात्मक आवरण भी बनाती है। यह सिस्ट युक्त निष्क्रिय अवस्था मेटासर्केरिया अवस्था कहलाती है। मेटासर्केरिया चूंकि आकार में गोल होता है, इसलिए इसका जो डायमीटर होता है वो 0.2 मिलीमीटर होता है। मेटासर्केरिया अवस्था पत्तियों पर यह चिपकी हुई दिखाई देती है, और इस मेटासर्केरिया से आगामी विकास के लिए इसे पुनः किसी प्राइमरी होस्ट अर्थात शीप के आहार नाल में पहुंचना या प्रवेश करना आवश्यक होता है। तो ये मेटासर्केरिया की संरचना होती है। बाहर की ओर ये सिस्ट दिखाई दे रहा है, भीतर की ओर हम देखें तो यहाँ पर माउथ, एलिमेंट्री केनाल के सारे भाग उपस्थित हैं, एसिटाबुलम भी उपस्थित है और जर्म सेल भी उपस्थित है। इसी जर्म सेल से आगे चल करके प्रजनन अंगों का निर्माण और विकास होता है। दोनों ओर की जो फ्लैम सेल्स होती हैं, ये डक्ट के द्वारा बीच में एक कॉमन एक्सक्रीटरी वेसिकल में खुलती हैं। सिस्ट के निर्माण के साथ ही साथ
सिस्ट को बनाने वाली जो सिस्टोजीनस ग्लैंड होती हैं वो भी लुप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये मेटासर्केरिया मार्जिनल वीड्स अर्थात जलाशय के तट पर जो पौधे होते हैं, जो जल में डूबे हुए होते हैं, उनसे चिपके हुए होते हैं। ये सरसों के दाने से भी काफी छोटे होते हैं, इनको नेकेड आई से, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। और ये मेटासर्केरिया का आगामी विकास तभी संभव होगा जब ये अपने प्राइमरी होस्ट या शीप के आहार नाल में पहुंच जाएंगे। अब हम देखें कि मेटासर्केरिया आहार नाल में पहुंचकर कैसे अपने प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। तो प्राइमरी होस्ट में संक्रमण की प्रक्रिया, जलाशयों के किनारे घास एवं वनस्पतियां खाते समय वनस्पतियों पर चिपके हुए मेटासर्केरिया शीप के आहार नाल में भोजन के साथ प्रवेश कर जाते हैं, और भोजन जब इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है तो मेटासर्केरिया अवस्था भी इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, और इंटेस्टाइन में पहुंचने पर बाहर का जो आवरण है जिसे हम सिस्ट कहते हैं वो पूरी तरह से घुल जाता है, और सिस्ट के भीतर मौजूद जो परजीवी है वो एक यंग फ्लूक के रूप में बाहर निकल जाता है और इंटेस्टाइन में स्वतंत्र हो जाता है। अब इंटेस्टाइन इसका टारगेट पार्ट नहीं है, बाइल डक्ट और लीवर इसका टारगेट पार्ट है, इसलिए इंटेस्टाइन की दीवारों को यह यंग फ्लूक सुराख बनाते हुए, उसमें छेद करते हुए वह बॉडी कैविटी में पहुंचता है, जहां से वह लीवर के अंदर प्रवेश कर जाता है, और लीवर में कुछ समय तक रहने के साथ ही साथ वह सक्रियता के साथ पोषण भी प्राप्त करता है, और लगभग 5 से 6 सप्ताह में वह पूर्ण वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, और जब वह लीवर में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तब वह लीवर को छोड़ करके बाइल डक्ट के भीतर प्रवेश कर जाता है और वहीं अंतिम रूप से स्थापित हो जाता है, अर्थात यह फाइनली लीवर में पहुंच करके वहीं पर निवास करने लगता है। ये इसका टारगेट पार्ट होता है। पूर्ण विकसित फेशुला में जो जर्म सेल हैं, उन जर्म सेल से प्रजनन अंगों का विकास भी पूर्ण हो जाता है, अर्थात मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विकसित हो जाते हैं, तथा संक्रमण के लगभग 11 से 13 सप्ताह के पश्चात फेशियोला प्रजनन भी आरंभ कर देता है, और इस तरह इस परजीवी का जीवन चक्र पूर्ण होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये मेटासर्केरिया हैं, भोजन के साथ इनको ये एक्सीडेंटली ग्रहण कर लेता है, ये इनकी आहार नाल में पहुंचते हैं, और जब इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो सिस्ट घुल जाता है और सिस्ट से यंग फ्लूक बाहर आता है। ये यंग फ्लूक अब इंटेस्टाइन की दीवारों को, जैसे हम मान लें ये इंटेस्टाइन की दीवार है और ये बॉडी वॉल है, तो इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल के बीच की इसी जगह को कहा जाता है बॉडी कैविटी। तो इस बॉडी कैविटी में वो चले जाते हैं। तो यह जो यंग फ्लूक होता है यह इंटेस्टाइन की दीवारों को सुराख करता, छेद करता है, और छेद करने के बाद यह पहुंच जाता है बॉडी कैविटी में, और बॉडी कैविटी से होते हुए वो लीवर में जाता है, क्योंकि जो लीवर होते हैं वो इसी बॉडी कैविटी पर मौजूद होते हैं। तो इस तरह ये लीवर फ्लूक लीवर के अंदर प्रवेश कर जाता है, जहां वह पोषण प्राप्त करता है और पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वो लीवर को छोड़ करके बाइल डक्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है, और यह बाइल डक्ट इसका अंतिम निवास स्थान होता है। तो इस तरह जब फेशियोला बाइल डक्ट में शिफ्ट हो जाता है तब वह शीप पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है, और फेशियोला का जीवन चक्र यहां पर पूर्ण होता है। आइए अब हम देखें पैथोजेनिक इफेक्ट ऑन शीप, शीप पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। पहला, स्वेलिंग इन बाइल डक्ट, बाइल डक्ट में सूजन आ जाती है, साथ ही साथ लीवर में भी सूजन आ जाती है, और इसे हम कहते हैं हीपेटाइटिस। दूसरा,
बाइल डक्ट के भीतर जो इपिथिलियम की लेयर होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती, नष्ट हो जाती है, और साथ ही साथ जो बाइल डक्ट होती है वो सख्त हो जाती है कैल्शियम के डिपॉजिशन के कारण से, वो हार्ड हो जाती है, और इसे हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ बाइल डक्ट। जो गॉल ब्लैडर है इसके अंदर स्टोन या जिसे हम पथरी कहते हैं उसका निर्माण हो जाता है। लीवर में लंबे समय तक संक्रमण रहने के कारण से लीवर की लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इरिटेशन एंड हीमोरेज, बाइल डक्ट में जब यह परजीवी सक्रियता के साथ गमन करता है, लोकोमोशन करता है, तो एक तरह की इरिटेशन होती है और बाइल डक्ट की दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनसे रक्त बाहर की ओर बहने लगता है, और इस प्रभाव को हम कहते हैं लीवर रॉट डिजीज, और इसे ही हम कहते हैं फेशियोलियासिस। फेशियोला के द्वारा जो डिजीज हो रही है वो कहलाती है फेशियोलियासिस। ये तो लिविंग स्टेज पर हुआ। डेड वर्म, जो डेड लिवर फ्लूक है, इट इज मोर हार्मफुल, ये ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि जब ये लिवर फ्लूक डेड हो जाता है तो उसके शरीर से डिकम्पोज होने के कारण से प्रोटियोलिटिक, ग्लाइकोलिटिक और फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स निकलते हैं जो टिश्यूज को, बाइल डक्ट को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आइए हम देखें, शीप जब फेशुला से संक्रमित हो जाती है तो उसमें कौन कौन से बाहरी लक्षण प्रकट होने लगते हैं। पहला, एब्डोमिनल स्वेलिंग। शीप का जो पेट है, एब्डोमिन का हिस्सा होता है, वो बहुत ज्यादा फूल जाता है। एब्डोमिनल पेन, संक्रमण के कारण से पेट में तीव्र दर्द हमेशा बना रहता है। एनेमिक, रक्त की कमी दिखाई देती है। आई सॉकेट बिकम्स पेल, उनकी जो आंखें होती हैं वो पीली दिखाई देती हैं रक्त की कमी के कारण से। शीप या भेड़ का जो वूल होता है, ऊन होता है, वो ब्रिटिल हो जाता है, काला हो जाता है, कड़ा हो जाता है और त्वचा से गिरने भी लगता है। शीप की जो ब्रीडिंग एक्टिविटी है, प्रजनन की जो क्षमता है, वो घट जाती है और शीप में दूध देने की क्षमता भी घट जाती है। एक बीमारी इसके कारण से देखने को मिलती है, वो है बॉटल जा। बॉटल जा में क्या होता है कि शीप के जबड़े पैर, जैसे मान लो ये शीप का जबड़ा है, ऊपरी और निचली जबड़ा है, तो इन जबड़ों पर ऐसे फफोले बन जाते हैं और इन फफोलों के भीतर पानी भरा हुआ होता है, जिसके फलस्वरूप शीप के मुंह से जो लार है वो निरंतर टपकते रहता है, ठीक है, और इस रोग को कहा जाता है बॉटल जा। तो बॉटल जा रोग हो जाने के कारण से, छालों के कारण से शीप भोजन नहीं कर पाती है, भोजन ग्रहण नहीं कर पाती है, फीडिंग नहीं कर पाती है। नतीजा धीरे धीरे वो कमजोर होकर के सुस्त हो जाती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि मेमने पर, है ना, भेड़ के बच्चे पर फेशुला का संक्रमण हो जाए तो वह लैम या जो मेमना है वो डल हो जाता है, स्लगी, सुस्त हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है, रिटार्ड हो जाती है। तो ये प्रभाव हैं जो बाहरी तौर पर शीप में देखने को मिलते हैं। लिम्निया में क्या प्रभाव होता है? सेकेंडरी होस्ट के डाइजेस्टिव ग्लैंड में परजीवी की अवस्था मौजूद रहती है और इसलिए उनकी डाइजेस्टिव ग्लैंड ये डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। नतीजा क्या होता है कि स्नेल का, लिम्निया का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो यह परजीवी न केवल शीप को बल्कि अपने सेकेंडरी होस्ट को भी प्रभावित करता है, रोगग्रस्त करता है। और अंत में हम देखें कि इस परजीवी को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो पहला है ट्रीटमेंट, उपचार। तो जो एंटी हेलमिंथ मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, वो पशुओं को देना चाहिए, जिनमें से फिलिसिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोइथेन और फिनोथाइजीन, ये दवाएं होती हैं जो इसके उपचार के लिए आवश्यक होती हैं। प्रिवेंशन, कैसे बचाव किया जाए? तो शीप को जो हैवी इन्फेक्टेड शीप है, जिसका इलाज संभव नहीं है, ऐसे हैवी इन्फेक्टेड शीप को किल कर देना चाहिए, उसे मार देना चाहिए। चूंकि कैप्सूल शीप के डंग या उसके मल या गोबर में मौजूद होते हैं
और वहीं से वो जलाशयों में चले जाते हैं, इसलिए जो संक्रमित शीप है उसके डंग को, उसके मल या उसके गोबर को पूरी तरह से जला देना चाहिए। और तीसरा, संक्रमित जो शीप है उनको ड्राई फूड देना चाहिए, शुष्क भोजन देना चाहिए, और भोजन में थोड़ी मात्रा में साल्ट या नमक भी मिला देना चाहिए। इससे नियंत्रण में काफी मदद मिलती है। अब स्नेल चूंकि इसके सेकेंडरी होस्ट होते हैं, इसलिए स्नेल को नष्ट करना जरूरी होता है, और इसलिए स्नेल को नष्ट करने के ये चार महत्वपूर्ण तरीके हैं। पहला कि तालाबों में डक्स को पालना चाहिए, डक्स माने बतख, क्योंकि जो स्नेल होते हैं ये बतख के प्रिय भोजन होते हैं, और इसलिए बतख को तालाबों पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए और स्नेल की आबादी को खत्म करनी चाहिए। दूसरा, जो तालाबों के किनारे तट पर वीड्स होती हैं, जलीय वनस्पतियां होती हैं, उन्हें निकाल देना चाहिए ताकि मेटासर्केरिया अवस्था के निर्माण की संभावनाएं समाप्त हो जाएं। तीसरा, जो एक्वेटिक पॉन्ड वेजिटेशन है ये लिमनिया के सेकेंडरी होस्ट के ब्रीडिंग ग्राउंड है, इसलिए तालाब के भीतर जो हाइड्रिला, वेलिसनेरिया इत्यादि हैं उनको भी पूरी तरह से तालाब से उखाड़ करके निकाल करके बाहर भेज देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। और चौथा है, कॉपर सल्फेट का सोलूशन यदि तालाब में छिड़काव किया जाए तो उससे जो स्नेल होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस तरह यदि परजीवी को तालाब में उसका सेकेंडरी होस्ट नहीं मिलेगा तो उसका जीवन चक्र आगे नहीं बढ़ेगा और जीवन चक्र पूर्ण नहीं होगा। ये कंट्रोल मेजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्न है, एक्सप्लेन द पैरासिटिक एडाप्टेशन इन फेशुला, राइट नोट ऑन मिरासिडियम लार्वा, राइट नोट ऑन सर्केरिया लार्वा, राइट द पैरासिटिक इफेक्ट ऑफ फेशुला, राइट नोट ऑन फेशुलियासिस डिजीज के बारे में, राइट नोट्स ऑन फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज इन फेशुला, देन डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फेशुला इन प्राइमरी होस्ट या शीप, एंड डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फेशुला इन सेकेंडरी होस्ट। और जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक ही प्रश्न है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फेशुला। ये विषय वस्तु या पाठ्य सामग्री हमने जिन स्रोतों से ली है उनके नाम यहां दिए गए। धन्यवाद।